साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। जी हां, चुनाव तारीखों की घोषणा होते ही तमाम राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो भी प्रत्याशी हैं उनकी एक्टिविटी भी शुरू हो गई है और जिनकी एक्टिविटी लगातार द एसडी न्यूज आपके सामने ला रहा है। हम तमाम चुनाव कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार पहुंचाते रहेंगे। विधानसभा में आप हमारे साथ बने रहिए। हम तमाम उन राजनीतिक प्रत्याशियों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे जो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस वक्त चलिए इस तारीखों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान गेस्ट मौजूद हैं। मोदीनगर विधानसभा से भावी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के राज कपूर सिंह जी। सर बहुत स्वागत है आपका द एसडी न्यूज में। राज कपूर जी भावी प्रत्याशी हैं। सबसे पहले मेरा आपका सवाल यही रहेगा, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कितना आश्वस्त हैं आप कि पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिलने जा रहा है और तैयारियां क्या है आपको चुनाव को लेकर के, ये जानने की कोशिश करेंगे आप। मैं पार्टी में 2010 से ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मैं मोहद्दीनगर में ही रहता हूं, मोहद्दीनगर के जनता का सेवा करते रहता हूं। हमारे यहां से देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी सांसद हैं, हमारे कार्य से वो खुश रहते हैं और हमारे कार्य को देखते रहते हैं कि क्षेत्र में किसी तरह की समस्या हो, किसी तरह का आपदा आ जाए या किसी तरह की परेशानी हो तो हम अपने जनता के साथ वहाँ खड़े रहते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी इस बार हमको वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे और उनको हम जनता का जो प्यार मेरे साथ बना हुआ है 10 साल से, हम जनता ने कहा है कि आप कमल का सिंबल लेकर आइए, आपको हम यहाँ से जिता कर भेजें। तैयारियाँ क्या है राज कपूर जी आपकी, आप जनता तक कैसे जाएंगे? क्योंकि देखिए इस बार चुनौतियाँ बहुत है, कोरोना का संकट है, ऐसे में जो एक तैयारी आप लोग पहले से करते उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है, तो इस कोरोना के संकट में कैसे आप लोगों तक जा रहे हैं, क्या आपका एजेंडा है, कैसे लोगों को समझा रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, ये जानना चाहेंगे। जब कोरोना काल आया तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के भी बहुत लोग बाहर में फंसे हुए थे जी, विधानसभा में भी बहुत गरीब लोग थे जिसको खाने पीने में दिक्कत होने लगी। तो फिर हमने लॉकडाउन के नियम को पालन करते हुए सब जगह जाकर राशन की व्यवस्था करवाया। हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो लोग दिल्ली पंजाब हरियाणा बाहर में रहते थे उन लोगों को भी पेटीएम के द्वारा या अपने आदमियों के द्वारा राहत सामग्री हमने पहुंचाया। जहां तक लोग कर जाने की बात हो रही है तो हम अपने लोगों को, हमारे जो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए लोग हैं, हमने जो कार्यकर्ता 10 साल में बनाया है हर पंचायत में, वो लड़का वहां पे रहेगा और वो काम करेगा। और ये जो अभी हम लोग का लॉकडाउन में जो ये चुनाव होने जा रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग को रखकर इस तरह का जो चुनाव आयोग का एक गाइडलाइन आया है उसी के अनुसार हमारे सारे कार्यकर्ता तैयार है। हमने 10 साल सब कुछ भूलकर मोहद्दीनगर का ईमानदारी से सेवा किया। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं, चुनाव लड़ लेते हैं, चल जाते हैं, वहाँ की जनता की समस्या को फिर कोई सुनने वाला नहीं रहता है। लेकिन मैंने 10 साल ईमानदारी से हमारे यहाँ जो कुछ 37 पंचायत का हमारा विधानसभा है जिसमें आधा से ज्यादा में फ्लड आ जाता है, हम हर फ्लड में अपने तरफ से तैयार रहते हैं, लोगों का सेवा करते हैं और लोगों को सहायता करते हैं। और इसी आशा पर सारे कार्यकर्ता हर पंचायत में हैं। जिस तरह से जो गाइडलाइन चुनाव आयोग का है हम उस तरह से भी चुनाव लड़ सकते हैं और मेरा व्यवस्था हर पंचायत के गांव तक और बूथ तक पहुंचाऊंगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो कोरोना का संकट था, जिस तरह से आपने काम किया, जो तस्वीरें हमने भी अपनी जनता को दिखाई, तो वो लोग आप लोगों से खुश हैं और पार्टी को, या फिर यूं कह के भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। लेकिन अब आते हैं थोड़ी राजनीतिक बात पर। भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार के गठबंधन में आप लोग हैं, इंडियन में हैं, लेकिन मुझे ये बताइए और मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता से एक ही सवाल करता हूं कि अभी तक आप लोग कुछ क्लियर क्यों नहीं कर पाए हैं, क्यों देरी हो रही है आखिर? देरी नहीं है, 4 तारीख को पूरे जो प्रत्याशी होंगे उसका नाम डिक्लेयर हो जाएगा। हमारी केंद्रीय टीम जो है 4 तारीख को केंद्रीय समिति चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हो गई, फाइनल हो गया। चिराग जी रहेंगे आप लोग के साथ? जी जी जी, चिराग जी भी एनडीए के हिस्सा रहेंगे। चिराग जी
को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। चिराग जी का आप हरेक स्टेटमेंट देखिएगा तो वो कहेंगे कि मेरा जो प्रधानमंत्री है वो बेस्ट प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के डिसीजन के साथ रहेंगे और चिराग जी भी एनडीए का हिस्सा बनकर ही बिहार में चुनाव लड़ेंगे। वो अपनी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को जब भ्रमण किए तो उन्हें जो लगा बोला, लेकिन जो हमारा मुखिया है नीतीश कुमार ने बिहार को एक नया आयाम दिया है, लालू राज से निकालकर नीतीश ने जनता को सुख चैन और कैसे विकास होता है बिहार, जिसको नाम से बाहर में लोग डरते थे, बिहारी शब्द कहते थे, बिहारी को हीन भावना से देखते थे, लेकिन जब ने नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार, भाजपा और नीतीश कुमार जदयू ने जब सरकार बनाई 2005 में, उसके बाद से जो बिहार का एक विकास का गंगा की तरह जो प्रवाह हुआ उससे पूरे भारत में लगा कि नहीं, बिहार जो है वो विकास कर सकता है, बिहार खुशहाल है, बिहार विकसित है। एक पुराना मैटर मैं यहाँ पर उठाना चाहूँगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर हैं और सब चीज़ को अच्छी तरह से आप पेश करना जानते हैं। राजकपूर जी, अभी के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रवासियों के बारे में बहुत कुछ कह दिया था। एक प्राइवेट न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि बिहार के प्रवासी लोगों को बाहर जाने में मजा आता है और आप कह रहे हैं कि उन्हीं प्रवासी से आप वोट लेंगे। नहीं, प्रवासी को बाहर जाने में नहीं, हम लोगों ने इस बार देखिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत बनना है और अभी लगातार प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोरोना काल में जो काम किया गया, कोरोना काल में आपने देखा है जितने मजदूर है मनरेगा में पैसा प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से दिया है कि जो भी हमारे कोरोना काल में जो भी प्रवासी थे बाहर रहते थे जो घर आ गए उसको यहीं पर काम मिले और काम हो रहा है। मनरेगा में आप पूरे बिहार में चले जाइए, सब जगह मनरेगा में काम हुआ है और हमारे जो मजदूर भाई हैं उसको काम मिला है, पैसा मिला है, मुफ्त में अनाज मिला है। दिसंबर तक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर को जो भी कार्डधारी हैं उसको मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, तो प्रवासी भी अब हमारे रहेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि हम बिहार में ही इतना रोजगार पैदा करेंगे कि किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और उस पक्ष में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, नित्यानंद राय जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भिड़े हुए हैं और लगातार आपने देखा होगा 10 दिन पहले हर सेक्टर में, किसान का हो बात या व्यवसायिक की बात हो या हर सेक्टर में, उन्होंने बिहार के लिए पैकेज दिया है और बिहार को खुशहाल बनाने के लिए संकल्पित हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सर कि आप लोग ने ये काम किया है, लेकिन किसानों के बारे में आपने काम किया है, लेकिन आपके विपक्ष के नेता, आपके अपोजिट के नेता तो बेरोजगारी का बैनर लेकर के इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोजगारी को मुद्दा बता रहे हैं। तेजस्वी यादव, तेजस्वी जी के पीछे जो 15 साल पहले उनके पिताजी के कार्यकाल को बिहार की सभी जनता ने देख लिया है कि जब वो सत्ता में आते हैं तो उनका गुंडा राज स्टार्ट हो जाता है। वो क्या रोजगार देंगे, वो तो अपने यहाँ जो रहते हैं उससे जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं, पैसा लेते हैं तब रोजगार देते हैं। तो रोजगार अगर देने का काम किया है तो एनडीए की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है। 10 लाख रोजगार भी देंगे तेजस्वी यादव, 10,000 रोजगार की वो बात कर रहे हैं। अभी चुनाव का समय है, वो जनता को ठगने के लिए 10,000-20,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक सच्चाई की बात है तो आप लोगों ने भी सुना है दो भाई नेतृत्व का कमान संभाल लिए हैं, आज नहीं रहे हमारे रघुवंश बाबू, पूरे बिहार के नहीं पूरे देश के एक अलग नेता थे, उनके साथ जिस तरह का बिहेव किया गया आप देख ही रहे हैं कि पार्टी में ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है उधर जो दबंग हो, जो एक जातीयति हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सच्चे कार्यकर्ता के साथ रहती है। रोजगार की बात आपने पूछा है, अभी आपने देखा, मैंने बताया था आपको कि मनरेगा में रोजगार दिया जा रहा है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो छोटे व्यवसायी हैं उसको 10-10 हज़ार रुपये का लोन प्रोवाइड किया करवाया गया है कि उसको लोन मिले और बैंक उसको लोन दे और वो अपने रोजगार को सृजित करे।
रोजगार का भी अगर सोच है। ये तो आप ना कह रहे हैं, आप पार्टी के नेता हैं, आपका कहना बिल्कुल हक है, लेकिन यही तो मुद्दा तो बेरोजगारी का उठा रहे हैं इस बार तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव किसी चीज का मुद्दा उठा लेंगे, उनको मुद्दा जो मन होगा उठा लें, लेकिन बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, सुशील मोदी, नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में ही बिहार को बढ़ाना है, बिहार को विकसित करना है। आप देख लीजिए लालू जी के काल में कितना जाम लगता था पटना में, सिटी से गांधी मैदान पहुंचने में या गाय घाट से सचिवालय पहुंचने में समय लगता था, लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार आई, आज पुल, ओवर ब्रिज का भरमार लग गया है पटना में, एनएच रोज बन रहा है, पूरे बिहार के किसी कोना से पहले पटना पहुंचने में 8 से 10 घंटे लग जाते थे, लेकिन आज 4 से 4.5 घंटा में आप किसी कोने से पटना पहुंच सकते हैं। ये विकास का कार्य है। विकास का कार्य ये है कि लोग सुरक्षित हैं, विकास का कार्य ये है कि आप 10 बजे 12 बजे रात को भी अपने घर सुरक्षित जा सकते हैं, लेकिन ये लालू जी के राज में नहीं होता था। और अगर फिर जनता ये जानती है कि अगर हम फिर तेजस्वी के हाथ में कमान देंगे तो फिर वही राज आएगा और शरीफों को 7 बजे घर में पैक हो जाना। अच्छा, एक और सवाल बता दीजिए मुझे चुपको जी, भारतीय जनता पार्टी इस बार आप लोग कितने सीटों पर विजय घोषित होंगे, कितने सीट लाएंगे विधानसभा चुनाव में? 100 सीट से ऊपर आएगी और एनडीए टोटल, जो एनडीए गठबंधन है वो 220 सीट जीतेगी। एनडीए गठबंधन 220 सीट जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 100 सीट स्वयं जीतेगी। अच्छा, एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी जब हम लोग लाइव मतलब ये कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी से चेहरा क्यों नहीं निकल पा रहा है राजकुमार, जो आप लोग पुराने लीडर हैं, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है? मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी पसंद है, मैं अपनी बात करता हूं, तो मुझे अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाना है भारतीय जनता पार्टी से, तो चेहरा क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग बिहार में? आपका कहना सही है कि भाजपा का भी मुख्यमंत्री हो, लेकिन हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे भारत में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और मेंबर हैं, और हमारी पार्टी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। हमारी पार्टी अगर हमारे गठबंधन के मित्र हैं, गठबंधन के साथी हैं, और अगर गठबंधन के साथी हमारे मुख्यमंत्री के हकदार हैं, तो हमने छीनने का काम नहीं किया, सम्मान देने का काम किया। जब गठबंधन से हमारे मुख्यमंत्री हैं तो हमने उसी को मानकर काम करते हैं, वो भी हमें जब जरूरत पड़ती है केंद्र में, केंद्र में जब हमारी चुनाव लोकसभा की होती है तो वो भी हमारे प्रधानमंत्री को मानते हैं और कहते हैं कि देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो हम जब गठबंधन धर्म निभाते हैं तो उस समय हम ख्याल रखते हैं कि हमारा भाई जो है, साथ जो चलते हैं, जो गठबंधन में हम लोग भाई हैं, तो उसका भी सम्मान रखकर हम उसके मुख्यमंत्री को भी, हमारे जदयू के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार भी अच्छा काम करते हैं, जो हम लोग का सोच रहता है विकास का काम, कि विकास हो, राज्य आगे बढ़े, वो सोच नीतीश कुमार जी के भी पास है, तो इसलिए हम लोग खुश हैं, बदलने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, एक और अंतिम सवाल, आप लोग बहुत बड़े पार्टी हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, एक बहुत बड़ा पैमाना है आप लोगों पर, मुझे ये बताइए कि बिहार की राजनीति में जो ये छोटी पार्टियां उभर कर आ रही है, क्या उससे बिहार के चुनाव में इफेक्ट कुछ पड़ता है क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये सब पार्टी बस ऐसे ही एक दुकान खोल ली है, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ लें, लेकिन जनता जानती है, जैसे मैंने ही कहा, मैं 10 साल से मोतीनगर का सेवा कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ 14 में भी उपचुनाव लड़ी, टिकट नहीं दिया, मैंने पार्टी के साथ रहा, 2015 में भी चुनाव हुआ, उसमें भी पार्टी मुझे टिकट नहीं दी, जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, मैं उसके साथ रहा, 20 में आश्वासन मिला है कि चुनाव लड़ाया जाएगा, हम अपने क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसी तरह की छोटी पार्टियां जो है वो अपना दुकान, समय आ गया है चुनाव के वक्त में दुकान खोल लेते हैं, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जनता ने मूड बनाया है, जनता को विकास चाहिए, काम चाहिए, बेहतर राज्य चाहिए, बेहतर प्रशासन की व्यवस्था चाहिए,
आज देख लीजिए नीतीश कुमार जी ने कितना बड़ा काम किया। पहले शाम के पहर माँ बहन को रोड पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, हमारे ही समाज के युवा वृद्ध कोई लोग दारू पीकर नशे में रहते थे, कुछ बोल देते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जब से दारूबंदी कर दिया किसी तरह का कोई माहौल खराब नहीं रहता है, शाम में भी चौक चौराहा शांत रहता है, एक्सीडेंट नहीं होता है, कितना एक्सीडेंट कम गया है रोड का। तो भारतीय जनता पार्टी, जदयू, ये जो एनडीए गठबंधन है, पूरा जनता जानती है कि यह गठबंधन बिहार को ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम करता है, न कि बिहार को नीचे धरातल में गरातल में गाड़ने का काम करता है। यानी आप एक बार फिर से आश्वस्त हैं कि बिहार में 15 साल के बाद एक बार फिर आप लोगों को जनता मौका देगी? एकदम सीओ बता तो दिए, 220 सीट 220 सीट पर जीतेंगे, जिनके घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, जिनके घर में कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं होती है, क्या वो पार्टी अब बिहार का कमान संभालेगा? उस घर में ऐश्वर्या की इज्जत नहीं हुआ जिसने पार्टी को सींचा और लालू जी के साथ खड़ा रहा, उस रघुवंश जी का इज्जत नहीं हुआ। जनता सब देखती है और जनता का हिसाब वोट में पावर है, वोट देके बता देगी, और 220 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन। अच्छा, ये महागठबंधन में भी क्या हो रहा है ये भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह कांग्रेस भी नाराज चल रही है, सिर्फ वीआईपी और आरजेडी और कांग्रेस बचा है, बाकी लोग छोड़ दिए हैं, कांग्रेस भी जाएगी क्या छोड़ के? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि वो उनके गठबंधन में क्या तालमेल है वो जाने। लेकिन हम लोग के एक गांव में कहावत है, लड़का मालिक तो मामला बिगड़े सुबह शाम, वही हाल उधर है। उस आरजे महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी को बनाया जा रहा है, जो कि और गठबंधन वाले को अच्छा नहीं लगता है। जैसे उपेंद्र जी भाग गए, बाहर निकल गए, कांग्रेस भी चाह रहे थे कि भाई नेतृत्वकर्ता, उसमें भी और बहुत से लोग हैं, लेकिन वो पार्टी तो परिवारवाद पार्टी है, उस पार्टी में तो परिवार का ही चलेगा। तो इसलिए भी हमको लगता है कि आपस में घींचतान है, जिसके चलते बटन लोग महागठबंधन को छोड़कर भाग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकपूर जी उनसे बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दों को रखने के लिए। तो साफ तौर पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से भावी प्रत्याशी मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र से इस बार अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश में लगे हुए हैं राजकपूर सिंह जी। हमने उनसे खास बातचीत की, उन्होंने आश्वस्त किया कि जिस तरह से 10 साल से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं, पार्टी इस बार उन्हें जरूर मौका देगी, और अगर मौका देती है तो मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र को वो एक अलग राह पर लेकर के जाएंगे, और वहां से अगर वो जीतते हैं तो वहां की जितनी भी जनता है जो अब तक उनका साथ देते आई है, उनके लिए आगे कुछ और खास भी करेंगे। तमाम मेहमानों से हम फिर से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए देश न्यूज के साथ, पोर्टल में सिर्फ एसजी न्यूज। नमस्कार।